चैप्टर खत्म हो गया सचिन, अभी क्या बोला ये सात नंबर चैप्टर मरनल का। मरनल का मतलब क्या है? कंक्रीट का तो पता है सबको, कंक्रीट माने क्या होता है? सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर। तो सीमेंट बालू पत्थर और पानी को मिक्स करके जो बना दे उसको होता है कंक्रीट। लेकिन मरनल का मतलब क्या होता है? गांव में हाथ हाथ से मिश्रण करना पड़ता है इसलिए बोलते हो मरनल। ठीक है, मरनल का मतलब एंडिंग्स। ठीक है, गांव में तो मिक्सर मशीन नहीं है ना, तो इसलिए हमको मरनल कंक्रीट कैसे बनाना है? पहले उसको बनाने के लिए क्या 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 जरूरत है? रेत मिलाने के लिए, बाली, रेत, कोदाल, बेलचा, ये सब जरूरी है उसके लिए। और ये मेटेरियल हो गया आपका, उसके बाद प्लेटफॉर्म। क्या करना है? प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो कंक्रीट बनाया गया उसके लिए लगा जाए। तो मिट्टी का ऊपर तो नहीं बना सकते है ना, वो अच्छा सफाई करके एक ईटा का साइलिंग डायगोनल साइलिंग करके इसके ऊपर बालू डाल के उसके ऊपर हम पहले क्या डालना है? बालू डालना है, उसके बाद सीमेंट डालना है, उससे अच्छे से दो बार मिक्स करना है, उसके बाद पत्थर डाल के और तीनों बार मिक्स करना है। ठीक है, और एक सीमेंट बैग में कितना लीटर पानी देना है? 25 से 45 लीटर। ठीक है, ये देखो जो कंक्रीट का होता है नीचे का ढलाई अलग होता है और कलम का ढलाई का भाग अलग होता है। ठीक है, तो ग्रेड, उसका ग्रेड क्या होता है? M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। ठीक है, तो M माने क्या होता है? मिक्स। M माने क्या है? मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स होता है कि ना? नहीं, इसलिए M लिखा है। ये 5 क्या है? 28 दिन के बाद आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, वो लोड ले सकता है। ठीक है, तो उसके अनुसार M5 का भाग कितना होना चाहिए? 1, 5, 10। तो सीमेंट कितना? 1 टीन। बालू कितना? 5 टीन। और एग्रीगेट गेटी 10 टीन। ठीक है, वो कितना लगता है? जो टेम्पोररी होता है कि मान लो इधर मेरा कंपनी का काम चल रहा है और कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा लेबर रहने के लिए थोड़ा पीसीसी कर देता हूँ 2 इंच का, तो इस टाइम क्या रहेगा? M5 टेम्पोररी लेबर को लगने। ये M5 M7.5 दोनों है, तो ये M5 से M7.5 पे ज्यादा है स्ट्रेंथ, इसलिए उसका सीमेंट का भाग क्या होगा? 1 होगा, लेकिन बालू का भाग 4 और पत्थर का भाग 8। तो ये दोनों का यूज उधर लगता है। ठीक है, इधर टेम्पोररी होता है, मान लो इधर फंक्शन होगा आज कुछ दिन के बाद उसको निकलना है। ठीक है, उधर टेम्पोररी, लेकिन M10 कितना लगेगा? 1, 3, 6, उसका भाग क्या है? 1, 3, 6, वो सब पीसीसी में लगता है। पीसीसी, पीसीसी माने क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो फुटिंग खड़ा करते हो, फुटिंग का पहले क्या करते हो? पीसीसी करते हो, उसके बाद रॉड देते हो, उसके बाद ढलाई होता है ना, इसलिए वो पीसीसी देते हैं। ठीक है, लेबर सरफेस देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद डीपीसी M15। ठीक है, उसका भाग क्या है? 1, 2, 4। तो उधर वो किधर लगता है? डीपीसी टेम्पोरल कोर्स, टेम्पोरल कोर्स पढ़ाया था ना, वो क्यों देते हो? जो नीचे का पानी ऊपर नहीं आने के लिए, उसका भाग कितना बोला था? 1, 2, 4। और उसके साइड पे छोटा छोटा गिट्टी होता है और केमिकल मिलता है और फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में भी 1, 2, 4 का। ठीक है, और 1, 3, 1, 1, 2, ये सब होता है आपका गांव का RCC और कंपनी का भी RCC। RCC माने क्या? रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जो रॉड के साथ जो ढलाई होता है उसको बोलते हैं RCC। तो वो क्या है? कलम होता है, फुटिंग होता है और क्या है, छाद होता है, बीम होता है, उसका भाग कितना होना चाहिए? 1, 3। ठीक है, 1, 3 होना चाहिए। इसको याद रखने के लिए क्या होगा, कैसे यहाँ ये 5 से शुरू हुआ ना, तो इधर 5 बालू में 5 और सीमेंट का पूरा 1-1 डालो। ठीक है, इसका 5 से शुरू करो, इसका -1-1 करो। ठीक है, इधर देखो 5 था बालू का भाग, इधर आगे क्या हुआ? 4।
तो ऐसे याद रखना है, और इसको बालू का जितना भी भाग है उसको दो गुना कर देना। इधर पांच था, पचास कितने बनता है, इधर चार था, इधर कितना हो गया आठ। ठीक है, ये हो गया आपका एम फिफ्टीन तक आपको क्या होगा एक एक माइनस होगा। ठीक है, लेकिन एम ट्वेंटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है इसलिए अर्ध एक सुनो दसवीं पांच माइनस था, ये कितना था दो, दो था सुनो दसवीं पांच माइनस था तो एक डेढ़ हो गया। ठीक है, समझ गया ना, ये हमको कितना ज्यादा था गांव में ये देते हो एक डेढ़ तीन का देना है। आप लोग क्या करते हो एक दो तीन करते हो ना, हाँ वो गलती है, एक दो एक डेढ़ तीन करना है। तो एक बैग सीमेंट डेढ़ बैग के बालू, आप जैसे बैग में देना है तो बैग में दो, टीम में देना है तो टीम में, सेफ्टी में देना है तो सेफ्टी में देना, जो चीज ठीक है जो चीज जैसे देना। और कंक्रीट ढलाई करने का टाइम क्या क्या देखना है, कभी भी डेढ़ मीटर से हाइट से ज्यादा से ऊपर नहीं डालना है, इतना से हाइट से नहीं डालना। डालने से क्या होगा, उसका गिट्टी अलग हो जाएगा और पानी भी अलग हो जाएगा जो स्लरी होता है। ठीक है, इसलिए नहीं देना है, ऊपर से नहीं डालना है। और कंक्रीट को 30 मिनट के अंदर उसका व्यवहार करना चाहिए, उसके बाद वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और कंक्रीट का जब जो कंक्रीट बना हुआ 30 मिनट के अंदर डाला होगा, हाँ बहुत सारे ऐसे।